नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ, फ्लाइट से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ सरकार की कुछ एडवाइस भी अच्छी तरह से मिली आपको, बहुत अच्छी न्यूज है। क्योंकि पहले आपको पता था भाई, आपको पता ही था कि पहले जो टिकट लेनी होती थी इंडियन एम्बेसी के थ्रू आपको लेनी होती थी, बड़ा मुश्किल काम था। अब आपके पास पैसा जेब में है, रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है। एक हमेशा याद रखें, कोई भी कंट्री का अभी भी इंडिया में आपको पता है जितनी भी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है वंदे भारत मिशन के तहत ही ऑपरेट हो रही है, नॉर्मल फ्लाइटें नहीं चल रही हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन करवाना जरूरी है। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं होगा तब तक भाई फ्लाइट का नंबर आपको नहीं आएगा, चाहे आप इधर से उधर से किधर से भी जा रहे होंगे। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है। सऊदी अरबिया से इंडिया आने वालों के लिए आपका रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो भाई फ्लाइट का बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप कोई भी फ्लाइट का आपका टिकट ले रहे हो तो उसमें आपको डायरेक्ट उसके ऑफिस में जाके कैश पैसा दीजिए और टिकट लीजिए, बेस्ट ऑप्शन ये, अच्छा न्यूज़ आपके लिए है। मैं बता, इंडियन जो सऊदी अरबिया जो कॉन्सुलेट है उन्होंने भी ये घोषणा की थी। तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फ्लाइट से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पे देखते आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें साफ साफ लिखा है भारत का दूतावास रियाद ने 28 जुलाई की घोषणा है 30 जुलाई 2020 को प्रस्थान करने वाली एयर इंडिया का उड़ान दमाम के लखनऊ यात्रा के लिए इच्छुक भारतीय नागरिक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकट सीधे आप ऑफिस में जाके आप टिकट खरीद सकते हैं। जी हां साथियों, इसमें शर्त ये रखी गई है कि भाई आपको भारतीय नागरिक को दूतावास पोर्टल पर पहले से पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ईमेल आईडी भी इसमें दे रखी है, 28 जुलाई की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ इसमें साथियों, सऊदीया से इंडिया की फ़्लाइटों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई सऊदीया से इंडिया की जो फ़्लाइटें हैं वंदे भारत मिशन 545 के तहत, जी हाँ साथियों, वंदे भारत मिशन 5 के तहत सरकार ने कुछ फ़्लाइटों का इंतज़ाम सऊदी अरबिया से इंडिया के लिए किया है। 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक, जी हाँ, 16 फ़्लाइटों का शेड्यूल है। 1 अगस्त से 12 अगस्त तक यानी 12 दिन में 16 फ़्लाइटों का शेड्यूल है सऊदी अरबिया से इंडिया आने वाली। तो आप स्क्रीन पर देखते रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, 1 अगस्त को रियाद से है बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है इंडिगो का। खर्चे की बात करें तो देखिए साथ में लिखा है, फिर इसमें 1300 दे रखा है सऊदी रियाल। आगे बात करें, 2 अगस्त को रियाद से हैदराबाद का इंडिगो है, 3 अगस्त को भी रियाद से कोचिकोड़े है साथियों, 1100 की फ़्लाइट है, 1100 रियाल की स्पाइस जेट की फ़्लाइट है। 3 अगस्त को फिर फ़्लाइट है रियाद से लखनऊ यूपी के लिए, 1300 रियाल की फ़्लाइट है साथियों, 1300 का मतलब 26,000 रुपये बन जाते हैं भाई सीधे सीधे। इंडिगो की फ़्लाइट है, 4 अगस्त को रियाद से कोचिकोड़े 1100 रुपये की फ़्लाइट है, 4 अगस्त को रियाद से बॉम्बे के लिए 1300 रियाल की फ़्लाइट है इंडिगो। आगे बात करें, 5 अगस्त को रियाद से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है भाई, दिल्ली वाले देख लीजिए, 1300 रियाल की फ़्लाइट है ये। जी हाँ, 1300 रियाल आपका चार्ज लगेगा, 26,000-27,000 रुपये पड़ जाता है, इंडिगो की फ़्लाइट रहेगी। 6 अगस्त को फ़्लाइट है रियाद से कोचिकोड़े के लिए, 7 अगस्त को जद्दा से कोचिकोड़े के लिए बता दूं, 7 अगस्त को रियाद से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है भाई, 1300 रियाल खर्चा आएगा, इंडिगो की फ़्लाइट रहेगी। 8 अगस्त को रियाद से कोचिकोड़े की फ़्लाइट है भाई, 1100 रियाल का खर्चा आएगा, स्पाइस जेट की फ़्लाइट रहेगी। 9 अगस्त को फ़्लाइट है रियाद से त्रिवेंद्रम के लिए, 10 अगस्त को साथियों जद्दा से फ़्लाइट है कोचिकोड़े के लिए, 1100 रियाल का खर्चा स्पाइस जेट है। 11 अगस्त को फिर रियाद से कोचिकोड़े की फ़्लाइट है स्पाइस जेट की, 12 अगस्त को जद्दा कोचिकोड़े के लिए फ़्लाइट है स्पाइस जेट की। तो साथियों आप इसमें देख सकते हैं दिल्ली के लिए इसमें 1-2 फ़्लाइटों का शेड्यूल है दिल्ली के लिए, 1 फ़्लाइटें हैं लखनऊ के लिए और 2 फ़्लाइटें हैं बॉम्बे के लिए। बाकी पूरी की फ़्लाइटें भाई 16 फ़्लाइटों में से आपको मिली हैं, 2 दिल्ली के लिए, 1 लखनऊ, 3 और 2 बॉम्बे के लिए। 5 फ़्लाइटें 2-3 स्टेटों में आएंगी, बाकी फ़्लाइटें टोटल कोची केरला के लिए है। तो आप समझ सकते हैं 5 फ़्लाइटों में आप कितने लोग आएंगे, लगभग 5 का मतलब क्या होता है, 750 के करीब आदमी पहुँचेंगे आने वाले 12 अगस्त तक। जी हाँ, तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आगे नेक्स्ट जैसे कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि जैसे ही वीडियो डालूं नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।